नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एक्सपर्ट में। दोस्तों आज तारीख है 24 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा, हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसे आमतौर पर चपरासी कहा जाता है, और वाहन चालक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में कुल 83,000 पद है, जिनमें से अधिकांश पद चपरासी और ड्राइवर के लिए हैं। पहले इन पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है, लेकिन अब लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एक रूपता लाना बताया है। क्या आज पूरे प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे? आज अहोई का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में क्या आज सभी बैंक ब्रांच बंद रहेंगे? अगर RBI की लिस्ट में देखें तो आज की RBI ने छुट्टी दे रखी है। ये छुट्टी बैंकों की नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक का नई दिल्ली ऑफिस गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि RBI ऑफिस 2 बजे तक बंद रहने का कारण नहीं बताया गया है। गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को पूरे देश में अहोई का व्रत किया जाएगा। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। बोनस और DA के अलावा इस दिवाली राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्मिकों को एक और खुशखबरी दी है। इसका कल देर शाम ही जारी किया गया है और यह प्रमोशन और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल हाल ही में राजस्थान के कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है, जिसमें परिनिंदा के दंड के प्रभाव को कम किया गया है। पूर्व में यदि किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता के कारण परिनिंदा का दंड मिलता है तो उसकी पदोन्नति 1 वर्ष के लिए टाल दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी के समय में CPAO का अधिकारी बता करके पेंशन धारकों से बात की जा रही है और उनसे संपर्क किया जा रहा है, जो कि एक फ्रॉड करते हैं। यह पेंशन धारकों से व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से एक फॉर्म भेजते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि यह फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो आपकी अगले महीने पेंशन रोक दी जाएगी। यह आमतौर पर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि काफी समय से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में आमतौर पर पेंशन धारकों से PPO नंबर जनरेट और बैंक से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है। यह योजना उड़ीसा की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, आय प्रमाण पत्र है। ग्राम रोजगार सेवक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 9 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। ग्राम रोजगार सेवक वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 241 पदों पर ग्राम रोजगार सेवक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए महिला पुरुष दोनों ही आवेदन करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दून में आखिरकार स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने की योजना धरातल पर उतरने लगी है। प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर MDUPCL के आवास में लग चुका है। वह उत्तराखंड में 28 लाख घर प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है, जिसमें प्रथम चरण में देहरादून के शहरों के 3 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद विद्युत उपभोग और बिलिंग के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। दिवाली का त्यौहार आते ही लोगों के मन में खुशी का माहौल बन चुका है। इस बार दिवाली पर सरकार की ओर से एक खास तोहफा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत करोड़ों परिवारों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि दिवाली से पहले उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यह योजना न केवल लोगों को आर्थिक राहत देगी बल्कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। तुर्की की राजधानी अंकारा में भीषण बम ब्लास्ट हुआ है। यह धमाका क्यों हुआ अभी तक इसका पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आदित्य ठाकरे को वर्दी से टिकट दिया गया है, महीम से महेश सावंत को टिकट दिया गया है, जबकि महाड से सनेहल जगताप को उतारा गया है। इसके अलावा रत्नागिरी से सुरेंद्र नाथ माने उम्मीदवार बन चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में पूर्व मध्य में बने चक्रवाती तूफान दाना के कारण कोलकाता समेत दक्षिणी बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व रेलवे ने चक्रवात के मद्देनजर 24 और 25 अक्टूबर को 150 से अधिक रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने पहुंची है। यहां उन्होंने कहा कि BJP की हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार अपना अनट्रीटेड पानी यमुना में छोड़ रहे हैं। पानी में अमोनिया का लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है, इस लेवल पर पानी ट्रीट नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8.1 के बहुमत से कहा कि शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सीट शेयरिंग पर कहा कि महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। लिस्ट इसलिए लेट हो गई क्योंकि यह सत्ता बनाने जा रहे हैं। हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं, बाकी लोग विपक्ष में बैठने वाले हैं। हम सत्ता में बैठेंगे तो बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन करना पड़ेगा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा कि शूटर बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। हत्या करने वाले तीन संदिग्ध शूटरों ने हत्या से पहले अनमोल बिश्नोई से स्नैपचैट के जरिए बात की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार यानी 4 नवंबर 2024 की सुबह 10:30 बजे का समय तय किया है। ये जानकारी राजभवन के सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक घर में रहस्यमय विस्फोट होने से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान सनी अनीता आकाश मंडल लक्ष्मी मंडल के रूप में हुई है। सभी को एम्स में ले जाया गया है। 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने कल देर रात राष्ट्रपति भवन बंगा भवन को घेर लिया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे को मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बंगा भवन के बाहर मोर्चा संभाल लिया और राष्ट्रपति के इस्तीफा मांग करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद सेना के बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए समाजवादी कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस को यूपी में एक और सीट देने का समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया है। गाजियाबाद के बाद फूलपुर विधानसभा सीट भी कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी अपने अपने आवास में रवाना हुए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेगी। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।